बार्बर की पोस्ट रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम तिथि जो है 5/10/2021 तक रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 5/10/2021 से पहले आप लोग इसमें जरूर अप्लाई कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल करके सामने आ रही है आर्मी में जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो इसके तहत आप भर्ती हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो है इसका जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसको निकाल दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो है नोटिफिकेशन भी आउट किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, केवल 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों चलिए इसको और डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या क्या फीस लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। दोस्तों यह जो है नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिए हुए रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉई इन टू आर्मी हेड सिग्नल हेडक्वार्टर सिग्नल रिक्वायरमेंट मेरिट कैंट। जी हाँ दोस्तों, मेरिट कैंट से यह भर्ती निकल करके सामने आ रही है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, यह जो पेपर के माध्यम से जो निकाला गया है, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट मेरिट कैंट ने विभिन्न सिविलियन ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित फॉर्मेट में ऑफलाइन मोड के माध्यम से 5 अक्टूबर तक या उससे पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 5 अक्टूबर 2021 तक जो है आप लोग इसमें ऑफलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो है ऑफलाइन मोड से यह फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिए हुए आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार कुक के पद पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सैलरी की बात किया जाए तो लेवल टू की सैलरी यानी कि 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये तक इसमें जो मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जबकि अन्य पद पर चयनित उम्मीदवार को लेवल एक के तहत जी हाँ दोस्तों 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये तक महीने का वेतन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें रिटन टेस्ट होने वाला है। इस लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और यहाँ पे देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक जवाब के लिए 0.25 अंकों के निगेटिव मार्किंग की भी, जी हाँ दोस्तों, 0.24 मार्किंग मतलब निगेटिव मार्किंग भी इसमें रखा गया है रिटर्न एग्जाम में। यहाँ बता दें कि लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल टेस्ट के तारीख और समय उम्मीदवारों को अलग से सूचित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर आप 10वीं पास है तो आप यहाँ पे जो है 5 अक्टूबर से पहले इसमें फॉर्म अप्लाई कर ले। आप अपने नज़दीकी फॉर्म की जो मतलब दुकान होती है वहाँ से जाकर के फॉर्म इसको ले ले, या इसका जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से इसका जो है